मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से सिंधु बॉर्डर पर एक हमारी किसानों की मीटिंग हुई है, उसमें 22 तारीख को जिला स्तर पर सभी किसान संगठनों की, सभी हमारे ट्रेड यूनियन के कर्मचारी के साथ जिला लेवल पर आने वाली 26 तारीख को पूर्ण भारत बंद के लिए तैयारी की जाए, उसके लिए मीटिंग है। ये फैसला लिया गया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और इसके अलावा 5 अप्रैल को FCI का पूरे भारत के अंदर घेराव किया जाएगा, वो सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक घेराव जारी रहेगा। इनके अलावा RSS की तरफ से बयान दिया गया है सभी किसान संगठनों को, उन्होंने आतंकवादी अलगाववादी तो पहले कहते आए थे, आज उन्होंने भद्दा मजाक किया है, उसकी तरफ से पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से फैसला लिया गया है कि उनकी कड़े शब्दों में निंदा की जाए। और जो आगामी प्रोग्राम है हमारा वो 23 मार्च का है, वो डॉक्टर हमारे कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो हमारे किसानों के द्वारा जत्थे चलाए गए उनको विस्तार से चर्चा करेंगे जी। जोगिंदर नैन जी ने अभी ये बताया है कि आज के संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर आगामी जो निर्णय हुए हैं उनको किस तरीके से लागू करने की तरफ बढ़ना है। इस बीच में आप जानते हैं कि 23 मार्च को शहीदी दिवस जो शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत के लिए मनाया जाता है, वो इस बार ऐसे मौके के ऊपर आया है जबकि हमारे देश में किसान और मजदूर एक विशेष परिस्थितियों में ऐतिहासिक संघर्ष कर रहे हैं केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ, और जो श्रम कानूनों को जिस तरीके से इन्होंने छिन्न भिन्न किया है या हटा दिया, उससे मजदूरों को भी उन्होंने उनके जो सुरक्षा होती है उससे वंचित किया है। अगर हम शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु उस शहादत को देखने लगे तो ये एक बहुत बड़ा साम्राज्यवाद विरोध का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि किसान और मजदूरों की मुक्ति के लिए भी उनकी विचारधारा का जो सूत्र है वो आज एक बहुत बड़ा स्रोत है हिंदुस्तान की जनता के लिए, नौजवानों के लिए भी ताकत का, और वो ताकत इस आंदोलन के साथ इस रूप में विकसित हो रही है कि दो कानून उस टाइम पर जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंके थे असेंबली के अंदर 1926 में, वो दोनों बिल क्या थे एक बार उनकी तरफ नजर दौड़ा के देखिए आप। एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसका मतलब ये था कि मजदूरों को उनकी जो उनके जो अधिकार है उनसे वंचित करना, और दूसरा जो था वो था सेफ्टी एक्ट, वो भी इसी तरीके का था जिससे कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जो सहयोग करने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, इसलिए उनका विरोध करने के लिए उन्होंने बम फेंके थे, आवाज़ करने के लिए, बहरी सरकार को सुनाने के लिए। आज हम देखने लगे तो इसी प्रकार के आज भी कानून बन रहे हैं कि हिंदुस्तान के इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन का कोई भी समर्थन करने के लिए सामने आ रहा है उसको एक अपराध की तरह से देखा जाता है। तो इसलिए आज पूरे देश में शहीदी दिवस तो मनाया ही जाएगा, बॉर्डरों के ऊपर बड़ी संख्या में हमने अपील की है लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से पहुंचने के लिए, और साथ में ही जत्थे चल रहे हैं अलग अलग जगहों से, उनमें पदयात्राएं भी हैं जो एक हाँसी से चल के 150 किलोमीटर, और उसमें महिलाएं भी हैं, युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, वो टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचेंगे 22 तारीख की रात को। इसी प्रकार से एक जींद के खटखट टोल प्लाजा से चला हुआ जत्था आज वो रोहतक वाले हाँसी वाले जत्थे के अंदर मिल गया है, वो भी वहीं पहुँचेंगे, और पंजाब के खटखड़ कला जो शहीद भगत सिंह का गांव है वहां से चल के एक जत्था किसान मजदूरों का वो आज पानीपत में सवेरे हरियाणा के जत्थे के साथ मिलके, और वो भी 22 तारीख को यहां पहुंचेगा। ऐसा ही एक मथुरा से चला हुआ पैदल जत्था वो पलवल के अंदर पहुंचेगा,
और इसी प्रकार के कई अनेक संगठनों के जो जत्थे हैं वो भी कोई मोटरसाइकिलों के ऊपर युवा आ रहे हैं अलग अलग मौकों के ऊपर, तो ये एक नया उभार है युवाओं के अंदर भी, और किसान मजदूर की एकता में ये शहीद यादगार जो जत्थे चले हैं इसमें भी अनेक संगठन इकट्ठे होके और समय समय के ऊपर जो वो पहुंच रहे हैं गांव के अंदर भी उनके स्वागत हो रहे हैं, शहरों में भी हो रहे हैं, एक बड़ा जबरदस्त उनको समर्थन मिल रहा है हरियाणा के और दूसरे जगहों के जो गांव और शहरों की तरफ से। तो हम संयुक्त किसान मोर्चा की आज की मीटिंग में ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर वो टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर या हमारे जो गाजीपुर बॉर्डर और पलवल के अंदर भी पहुँचें। इसी प्रकार से एक हमारा जत्था जो है वो ढांसा बॉर्डर के ऊपर भी मोटरसाइकिलों का आएगा। तो इस संदर्भ में आज का जो ये शहीदी दिवस आएगा 23 मार्च का, ये इस किसान आंदोलन को निश्चित तौर पर नई बुलंदियां प्रदान करेगा और नई बुलंदियों की तरफ लेकर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।